दोस्तों टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ और टाइटैनिक 31 मई 1911 में बनकर तैयार हो गया। टाइटैनिक की लेंथ 269 मीटर थी और उसका वेट 52,310 टन था उस समय। 15 अप्रैल की रात 2:20 के अंदर टाइटैनिक दो टुकड़े हो गए एक हिमखंड से टकराने के कारण। दरअसल हिमखंड से टकराने का सबसे बड़ा रीज़न था वहाँ का पायलट, जिनको एक चुनौती दी गई थी कि अगर वो इस देश से उस देश इतने समय में पहुँचेंगे तो उनको उनकी टाइटैनिक पॉपुलर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की गई जिस वजह से उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड बहुत तेज कर ली और बाद में उनको खबर भी आई बंदर ग्रह से कि अपने टाइटैनिक को धीरे कर लो, वो डूब सकता है, वो टकरा सकता है हिमखंड से। ये 3 बार आई पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से टाइटैनिक डूब गया। अब एक और बात आती है कि टाइटैनिक डूब चुका कोई बात नहीं, पर उसको निकाला क्यों नहीं गया। सबसे पहली चीज़ टाइटैनिक को ना निकालने की है कि टाइटैनिक बहुत ज़्यादा भारी है और टाइटैनिक 12,000 की गहराई 12,000 मीटर 12,000 फुट की गहराई में है, यानी कि कम से कम 205 मील गहराई में है। और अगर उसे निकालने के लिए क्रेन भी नहीं आ सकती वहाँ, और अगर आ भी गई तो उसको निकाल नहीं पाएगी, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर और कई चीज़ें भी उसको नहीं निकाल पाएगी। और वैसे और टाइटैनिक इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके अंदर 6 से 7 फुटबॉल ग्राउंड्स आ जाएंगे। टाइटैनिक के अंदर 1,000 से ज़्यादा रूम्स थे और टाइटैनिक के अंदर 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और बाकी सब लोग लाइफ बोट से बच गए और कुछ लोग टाइटैनिक जगह से गुम हो गए और माना ही जाता है कि वह मर चुके हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं और अगला टॉपिक आप बता देना मेरे को किस चीज़ पे बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।